हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th म्यूजिक का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन। तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राग खमाज का वादी स्वर क्या है? क्या क्वेश्चन कर रहा है कि चार ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से बताने कि कौन सा ना राग खमाज का वादी स्वर है। तो कौन सा है? तो हो जाएगा ग। ग क्या है? तो राग खमाज का वादी स्वर है। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अब अगला क्वेश्चन है कि ताल एक ताल में कितनी ताली एवं खाली है। क्वेश्चन कह रहा है कि ताल एक ताल क्या है? तो ताल एक ताल में कितनी ताली है और कितनी खाली है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाए इसका ए, चार ताली है और दो खाली है। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि सांडव संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं। तो सांडव संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो लगते हैं 6 और 6 से 7, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नृत्य सम्राट गोपी किशन किस नृत्य से संबंधित है। कौन? तो नृत्य सम्राट गोपी किशन। गोपी किशन जो थे ना, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कथक से। कथक से कौन संबंधित है? तो गोपी किशन जो थे ये कथक से संबंधित है। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि विष्णु दिगंबर पद्धति में खाली चिन्ह क्या है। क्या क्वेश्चन है? तो विष्णु दिगंबर पद्धति में खाली चिन्ह क्या है? तो हो जाएगा जोड़ का चिन्ह, यानी ऑप्शन हो जाए इसका बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संगीत मकरंद के रचयिता कौन है। रचयिता वाला जितना क्वेश्चन है वो आप याद ही रखिएगा। जैसे ये दिया हुआ कि संगीत मकरंद के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है नारद। ये सब क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि संगीत मकरंद के रचयिता कौन है, तो नारद है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंडित हरिदास स्वामी क्या थे। पंडित हरिदास स्वामी जो थे ना, ये क्या थे? तो ये गायक थे। पंडित हरिदास स्वामी क्या थे? हरिदास स्वामी कौन थे, क्या थे? तो वो गायक थे। पंडित हरिदास स्वामी क्या थे? तो वो गायक थे। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है उस्ताद अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई। उस्ताद अलाउद्दीन जो थे ना, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी 6 सितंबर 1972 को। उस्ताद अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई थी? तो उस्ताद अलाउद्दीन की मृत्यु हुई थी 6 सितंबर 1972 को। 6 सितंबर 1972 को किसकी मृत्यु हुई थी? तो उस्ताद अलाउद्दीन की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां क्या बजाते थे। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो थे ना, वो क्या बजाते थे? तो वो सरोद बजाते थे। क्या बजाते थे उस्ताद अलाउद्दीन खां? तो सरोद बजाते थे। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि फयाज खां का जन्म स्थान कहाँ है। फयाज खां का जन्म स्थान कहाँ है? तो फयाज खां का जन्म स्थान है पहले तो हुआ था जन्म कब, तो 1886 में हुआ था। और जन्म स्थान कहाँ है? सिर्फ उसमें जन्म स्थान ही पूछ रहा है। अगर आपसे कब हुआ था ये पूछे तो याद रखिए 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था। ऑप्शन हो जाए इसका ए। फयाज खां का जन्म स्थान कहाँ है? तो आगरा में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान का जन्म स्थान कहाँ है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है उस्ताद बिस्मिल्ला खान का जन्म स्थान कहाँ है, तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान का जन्म स्थान है बिहार के। कहाँ? तो बिहार के भोजपुर जिले के डुमराव में 1908 में। देखिए कैसे करके अच्छे से बताया हुआ है कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान का इसमें जन्म स्थान ही पूछ रहा है, और हम आपको बता रहे हैं कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान का जन्म तो बता ही दिए कि बिहार के भोजपुर जिला में डुमराव में हुआ था। ऐसे भी रहेगा सिर्फ ऑप्शन में डुमराव, तो आप लोगों को डुमराव लगा देना है। भोजपुर जिला में सिर्फ भोजपुर है तो वो लगा देना है। क्वेश्चन कैसे भी रहे आपको बस पता होना चाहिए उसका आंसर, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो भोजपुर पहले तो जिला डिस्ट्रिक्ट कौन था? तो डिस्ट्रिक्ट था भोजपुर। अब जिला कौन सा था? भोजपुर जिला था। और गांव कौन सा था? तो डुमराव था। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। और कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि प्रमोद लालजी श्रीवास्तव किस वाद्य के कलाकार थे। तो कौन? तो लालजी श्रीवास्तव जो थे ना, लालजी श्रीवास्तव ये किस वाद्य के कलाकार थे? तो ये तबला के कलाकार थे। लालजी श्रीवास्तव किस वाद्य के कलाकार थे? तो तबला के कलाकार थे। ऑप्शन हो जाए इसका डी। अगला क्वेश्चन है कि मृदंग केसरी उपनाम से प्रसिद्ध कलाकार कौन थे। किससे? तो मृदंग केसरी के उपनाम से प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो वो थे कुंदव सिंह पफावजी। कौन थे? मृदंग केसरी उपनाम से। किस नाम से? तो मृदंग केसरी उपनाम जो है ना, इस नाम से प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो वो थे कुंदव सिंह पफावजी। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि कंठेनजी महाराज का जन्म कब हुआ। किस महाराज का? तो कंठेनजी महाराज का जन्म कब हुआ था? तो ये जन्म हुआ था सन 1880 में। किस महाराज का जन्म हुआ था? तो कंठेनजी महाराज का जन्म हुआ था। ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंठेजी महाराज की मृत्यु कब हुई। यहाँ पर तो जन्म है और यहाँ मृत्यु देख लीजिए। मृत्यु कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1969 को वाराणसी में हुई थी। कब हुई थी? अब यहाँ भी ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा ना, इसलिए ऐसे आंसर आपको समझा ही रहे हैं कि अब कंठेजी महाराज की मृत्यु कब हुई है। तो अब सिर्फ ये रहे कि कंठेजी महाराज की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो वाराणसी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1969 को हुई थी। ऑप्शन हो जाए इसका ए।
अगला क्वेश्चन है कि तानसेन का मजार किस नगर में स्थित है, किसका, तो तानसेन का ना मजार किस नगर में स्थित है, तो ये है ग्वालियर में स्थित। तानसेन का मजार किस नगर में स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है, ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक ताल परिचय के लेखक के नाम बताइए, ये भी क्वेश्चन के पुस्तक क्वेश्चन है कि पुस्तक ताल परिचय क्या, तो ताल परिचय इसके लेखक के नाम बताइए, तो ताल परिचय के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है आचार्य गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, तो पुस्तक जो है ताल परिचय, ठीक है ना। अब इसके लेखक या फिर इसके रचयिता कौन है, तो आचार्य गिरीश चंद्र श्रीवास्तव है। कौन है ताल परिचय के लेखक, तो आचार्य गिरीश चंद्र श्रीवास्तव है, ऑप्शन हो जाए इसका डी। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जन्म हुआ, ये क्वेश्चन तो आपको याद ही रखना है कि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 में, कब हुआ था अमीर खुसरो का जन्म, तो 1253 में हुआ था, ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि तानसेन का जन्म हुआ था, तानसेन का जन्म कब हुआ था, तो 1532 ईस्वी में हुआ था, तानसेन का जन्म कब हुआ था, तो 1532 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम नबी शेरी ने किस गायन शैली को जन्म दिया है, गुलाम नबी शेरी जो है ना उन्होंने किस गायन शैली को जन्म दिया है, तो उन्होंने जल तरंग को जन्म दिया, गुलाम नबी शेरी ने किस गायन को शैली को जन्म दिया, तो जल तरंग को जन्म दिया, ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में नौ रत्नों में इनमें से किसे जाना जाता था, चार ऑप्शन दिया उसमें से बताना है कि अकबर के दरबार में किसके दरबार में, तो अकबर के दरबार में नवरत्नों के नाम से किन्हें जाना जाता था, तो तानसेन को जाना जाता था, ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका बी। देखिए एग्जाम में 70 ही क्वेश्चन बनाने होते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझिएगा, उसके बाद बनाइएगा। 70 क्वेश्चन से आपको 35 ही बनाना है, इसलिए आपको आपसे बन ही जाएगा, ठीक है ना। और पहले क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को ना 1 से 70 तक पढ़ना होता है, लेकिन आप पढ़ने में जो टाइम वेस्ट कीजिएगा तो उसमें तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना, और टाइम तो आपका कम रहता है एग्जाम, इसलिए क्या कीजिएगा पहले क्वेश्चन 1 से 1 बनाना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। उसमें क्या कीजिएगा, क्वेश्चन पढ़े, अब क्वेश्चन जैसे ही पढ़े, जैसे गुरुदेव श्री टी एन पटनायक क्यों जाने जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पढ़े, अगर इसका आंसर बिना ऑप्शन देखे, मतलब ऑप्शन देखे आपके दिमाग में आ जाता है तो ठीक, अगर नहीं आ जाता है तो उसको सेकंड राउंड में हम बनाएंगे, फर्स्ट राउंड में ऐसे ही अगर ऑप्शन के आ गया, अच्छा इसका ये होगा, इसका शायद वॉल्यूम वादन के लिए होगा, कंफर्म अगर 100% श्योर है तो फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन बनाते हुए ऐसे करके, हाँ 70 तक आपको बनाने, 70 तक में अगर भले ही आपसे 10 ही क्वेश्चन बने, 35 बनाने उसमें से भले 10 ही क्वेश्चन बनाने, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट राउंड था, इससे क्या होगा ना फर्स्ट राउंड में ऐसे करिएगा तो हर एक क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें से कौन कौन क्वेश्चन मुझे बनाने और कौन कौन क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है वो छोड़ना है, इससे आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा और आपसे क्वेश्चन भी कुछ बन जाएगा। अब सेकंड राउंड में क्या करना है, क्वेश्चन और ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि हाँ इसका ऑप्शन ये होगा, उसके बाद ही बनाना है, ठीक है, समझ गया। इसी तरीका से आप लोग एग्जाम में ट्राई करिएगा जरूर, एग्जाम में नहीं ट्राई करना है, अभी भी आप मॉडल सेट लीजिएगा, आपके पास मॉडल सेट होगा, मॉडल सेट लीजिएगा, OMR सीट होगा, ये नहीं होगा तो देखिएगा मॉडल सेट के पीछे में वो कागज दिया होगा, उसको मॉडल सेट वाला पेपर 1 से 100 तक गोला भरने वाला, उसको फाड़ लीजिएगा और उसमें बना करके ऐसे करके देखिएगा, इन्हें कि आपको सीधे एग्जाम में बनाना है, अभी से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ये नहीं कि सिर्फ आप म्यूजिक का प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका आप लोग प्रैक्टिस ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि गुरुदेव श्री TN पटनायक क्यों जाने जाते हैं, कौन, तो गुरुदेव श्री TN पटनायक क्यों जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं वायलन वादन के लिए, गुरु नानक श्री TN पटनायक जाने जाते हैं वायलन वादन के लिए, ऑप्शन हो जाए इसका ए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अमीर खुसरो क्यों जाने जाते हैं, तो अमीर खुसरो क्यों जाने जाते थे, तो वो जाने जाते थे कंठ संगीत के लिए, अमीर खुसरो जो थे ना वो क्यों जाने जाते थे, अमीर खुसरो जाने जाते थे कंठ संगीत के लिए, ऑप्शन हो जाए इसका बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भातखंडे संगीत शास्त्र के शास्त्र किनकी रचना है, क्या, तो भातखंडे संगीत शास्त्र जो है ये किनकी रचना है, तो ये पंडित विष्णु नारायण की रचना है, भातखंडे संगीत शास्त्र किनकी रचना है, तो पंडित विष्णु नारायण की रचना है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती हैं, क्वेश्चन क्या है कि एक सप्तक में किसमें, तो एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती हैं, एक सप्तक में टोटल 22 श्रुतियां होती हैं, एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती हैं, तो 22 श्रुतियां होती हैं, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कलाकार को संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त है, देखिए क्वेश्चन करा कि कौन वह कलाकार है जिसे कि संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि इसको संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त है, तो हबीब उद्दीन खां को, किसको, तो हबीब उद्दीन खां को क्या प्राप्त है, कौन सी उपाधि प्राप्त है, तो संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त है। अब क्वेश्चन घुमा के भी दे देगा कि हबीब उद्दीन खां को कौन सी उपाधि प्राप्त है, और चार ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको लगा देना कि संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त है, क्वेश्चन इसमें दिया कि संगीत सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त है, तो इसमें नाम दिया हुआ, इसलिए क्वेश्चन कैसे भी दी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पंजाब घराने के प्रसिद्ध तबला वादक क्या है, उदयंकर जाकर हुसैन गुरु के गुरु कौन थे, किसके? तो पंजाब घराने के जो प्रसिद्ध तबला वादक थे ना जाकिर हुसैन, उसके गुरु कौन थे? उसके गुरु कौन थे? तो अल्लाह रखा थे। पंजाब घराने के प्रसिद्ध तबला वादक जो थे ना जाकिर हुसैन, उनके गुरु कौन थे? तो अल्लाह रखा थे। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल करीम खां क्या बजाते थे, कौन? तो अब्दुल करीम खान जो थे ना, अब्दुल करीम खां ये क्या बजाते थे? तो ये शारगी बजाते थे। अब्दुल करीम खां क्या बजाते थे? तो अब्दुल करीम खां शारगी बजाते थे। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि अहमद जान थिरकुबा क्या बजाते थे, अब बताना कि अहमद जान थिरकुबा क्या बजाते थे? तो ये तबला बजाते थे। अब अहमद जान थिरकुबा क्या बजाते थे? तो अहमद जान थिरकुबा तबला बजाते थे। ऑप्शन हो जाए इसका ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संगीत में विष्णुदेह किसे कहते हैं, क्या? तो भारतीय संगीत में किसमें, तो भारतीय संगीत में विष्णुदेह किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं विष्णु दिगंबर पुलुस्कर को भी कहते हैं और विष्णु नारायण भातखंडे को भी कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। सी हुआ, इस क्यों हुआ? तो क्योंकि भारतीय संगीत में विष्णुदेह किसे कहते हैं? तो विष्णु दिगंबर पुलुस्कर को भी कहते हैं और विष्णु नारायण भातखंडे को भी कहते हैं, यानी ए और बी हो गया, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन कहाँ होता है, क्या क्वेश्चन करा है कि स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? तो ये मुंबई में होता है। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? तो ये मुंबई में होता है, यानी ऑप्शन हो जाए इसका डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मियाँ तानसेन किस राजा के दरबारी के गायक थे, मियाँ तानसेन जो थे ना, ये तानसेन, ये मियाँ तानसेन छोड़िए, सिर्फ आप तानसेन याद रखिए, इतना याद रखेंगे ना आपको याद रहेगा। तानसेन किस राजा के दरबारी के गायक थे? तो थे अकबर के। किसके? तो अकबर के। तानसेन किस राजा के दरबारी के गायक थे? तो थे अकबर का। ऑप्शन हो जाए इसका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था, किनका जन्म? तो रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था बंगाल में। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था बंगाल में। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि फैयाज खां विशेष रूप से क्या गाते थे, कौन? तो फैयाज खां जो थे ना, फैयाज खां ये विशेष रूप से क्या गाते थे? तो ये ध्रुपद गाते थे। फैयाज खां विशेष रूप से क्या गाते थे? तो फैयाज खां विशेष रूप से ध्रुपद गाते थे। ऑप्शन हो जाए इसका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, और ये आप लोग को पता ही होगा, नहीं भी पता है तो याद रखिएगा, और क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां को क्यों जाना जाता है, किनको? देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है ना, कौन? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां। अब इनको जाना क्यों जाता है? इनको श्रोध वादन के लिए जाना जाता है। किसको श्रोध वादन के लिए जाना जाता है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां को श्रोध वादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन हो जाए इसका क्या? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि विद्यापति कहाँ के थे, तो ये बिहार के थे, ये तो याद रखिए, लेकिन आपको याद ही रखना है कि कवि विद्यापति कहाँ के थे, तो बिहार के थे। ऑप्शन हो जाए इसका ए, बिहार के। कवि विद्यापति कहाँ के थे, तो बिहार के थे। कवि विद्यापति कहाँ के थे, तो बिहार के थे। दो तीन बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद ही हो जाए, आप भूले नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक तबला शास्त्र के लेखक का नाम बताइए। अब पुस्तक जो है तबला शास्त्र, कौन सा पुस्तक का क्या नाम है? तो पुस्तक का नाम है तबला शास्त्र। अब इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मधुकर गणेश गोलबोले। पुस्तक तबला शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो मधुकर गणेश गोलबोले। ऑप्शन हो जाए इसका सी। पुस्तक जो है जिसका नाम है तबला शास्त्र, अब उसके लेखक या उसके रचयिता कौन है? तो मधुकर गणेश गोलबोले हैं, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि ना धिन धा धी ना बजाने के सर्वाधिक व्यक्ति किस तावलिक ने प्राप्त की थी, क्या? तो ना धी ना बजाने की सर्वाधिक ख्याति किस तावलिक ने प्राप्त की थी, तो ये की थी पंडित अनोखे लाल मिश्र ने प्राप्त। किसने की थी प्राप्त? तो ये की थी पंडित अनोखे लाल मिश्र ने। ऑप्शन हो जाए इसका सी। अब अगला क्वेश्चन है कि फिल्म दो आंखें 12 हाथ में किस कलाकार ने तबला बजाया। अब फिल्म के बारे में देखिए कि फिल्म क्वेश्चन है कि फिल्म क्या, कौन सा फिल्म? तो दो आंखें 12 हाथ, क्वेश्चन है कि फिल्म दो आंखें 12 हाथ है ना, उसमें किस कलाकार, वो कौन कलाकार था जिसने कि दो आंख और 12 हाथ फिल्म जो है नाम, जिसका फिल्म का नाम है दो आंख और 12 हाथ, उसमें तबला बजाया था, कौन थे? तो थे पंडित शामता प्रसाद। कौन थे? तो पंडित शामता प्रसाद जो थे वो फिल्म दो आंखें और 12 हाथ में कलाकार थे और वो तबला बजाए थे, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि पंडित पन्ना लाल घोष कौन से वाद बजाते थे, कौन? तो पंडित पन्ना लाल घोष जो थे ना, वो कौन सा वाद बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे। पंडित पन्ना लाल घोष कौन सा
वाद बजाते थे? तो पंडित पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान थे, तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान क्या थे? तो वो थे एक तबला वादक। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान कौन थे? तो एक तबला वादक थे। ऑप्शन नंबर इसका सी। अगला क्वेश्चन है उस्ताद अलाउद्दीन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? किनका जन्म? तो उस्ताद अलाउद्दीन का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? उस्ताद अलाउद्दीन खान अलाउद्दीन जो थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और कहाँ कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1870 में। कहाँ जन्म हुआ था? 1870 में हुआ था। किसका जन्म 1870 में हुआ था? तो उस्ताद अलाउद्दीन का जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? त्रिपुरा के शिपुर ग्राम में हुआ था। त्रिपुरा का में हुआ था, ठीक है। त्रिपुरा जिसकी राजधानी अगरतला, यानी कि त्रिपुरा में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था, उसके किस गाँव में हुआ था? तो श्रीपुर गांव में हुआ था, यानी ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंडित कंठे जी महाराज कौन सा वाद बजाते थे? कौन? तो पंडित कंठे जी महाराज जो है ना, ये कौन सा वाद बजाते थे? तो ये तबला बजाते थे। पंडित कंठे जी महाराज कौन सा वाद बजाते थे? तो पंडित कंठे जी महाराज तबला बजाते थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि कंठे जी महाराज किस घराने के लिए प्रसिद्ध थे? कौन? तो कंठे जी महाराज जो थे ना, ये किस घराना के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये बनारस घराना के लिए प्रसिद्ध थे। कंठे जी महाराज किस घराना के लिए प्रसिद्ध थे? तो कंठे जी महाराज बनारस घराना के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि ख्याल के कितने प्रकार हैं? तो ख्याल के कितने प्रकार हैं? तो ख्याल के दो प्रकार हैं। ऑप्शन हो जाए इसका ए। ख्याल के कितने प्रकार हैं? तो ख्याल के दो प्रकार हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गीत के कितने प्रकार हैं? गीत के कितने प्रकार हैं? तो गीत के दो प्रकार हैं। गीत के भी कितने प्रकार हैं? तो गीत के दो प्रकार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक की अवधि में गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं? देखिए, वो जो राग जो होता है ना, जो 12 बजे दिन से शुरू करते हैं और 12 बजे रात तक गाते हैं, उस राग को क्या कहते हैं? तो उस राग को कहते हैं पूर्व राग। क्या कहते हैं? जो 12 बजे दिन से शुरू करते गाने का और 12 बजे रात तक गाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पूर्व राग, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताल रचना के मुख्य कितने सिद्धांत है? किसके? तो ताल रचना जो है ना, ताल रचना, इसके मुख्य कितने सिद्धांत है? तो इसके मुख्य चार सिद्धांत है। ताल रचना के मुख्य कितने सिद्धांत हैं? तो ताल रचना के मुख्य चार सिद्धांत। ऑप्शन हो जाए इसका डी। अगला क्वेश्चन है कि सारंगी वाद किससे बजाया जाता है? क्या क्वेश्चन करा गया? सारंगी वाद जो होता है ना, ये किससे बजाया जाता है? तो ये गज से बजाया जाता है। सारंगी वाद किससे बजाया जाता है? तो सारंगी वाद गज से बजाया जाता है। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारे इस गीत के लेखक कौन है? तो इसके गीत के लेखक है मोहम्मद इकबाल। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारे, ये तो आप गीत सुने ही होंगे, लेकिन इस गीत के नाम आप लोगों को पता था? नहीं पता था ना? अगर पता भी था तो अच्छी बात है। अब इसके गीत के लेखक कौन थे? तो इस गीत के लेखक थे मोहम्मद इकबाल। याद रखिएगा, एग्जाम में आए और ना आए, लेकिन फिर भी आप समझते हैं, ये तो याद ही होना चाहिए कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारे इस गीत के लेखक है मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस स्वर का प्रयोग सीधा न होकर घूमकर अर्थात टेढ़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, जो स्वर होता है उसका प्रयोग सीधा नहीं होता, मतलब सीधा नहीं होता और घूमकर यानी कि टेढ़ा से होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विवक्र स्वर। जिस स्वर का, मतलब जो स्वर होता है उसका प्रयोग सीधा न होकर घूमकर होता है, उस स्वर को क्या कहते हैं? तो विवक्र स्वर कहते हैं। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि किस घराने में ठुमरी गाने की प्रथा है? वो कौन सा घराना है, मतलब वो बताना है वो कौन सा घराना जिसमें कि ठुमरी गाने की प्रथा है? कौन सा घराना में? तो किराना घराना में। किस घराना में ठुमरी गाने की प्रथा है? तो किराना घराना में। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि ताल की कितनी जातियाँ होती है? ताल की कितनी जातियाँ होती है? तो ताल की पाँच जातियाँ होती है। ताल की कितनी जातियाँ होती है? तो ताल की पाँच जातियाँ होती है। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि तबले के मुख्य कितने घराने हैं? तबले के मुख्य कितने घराने हैं? तो तबले के मुख्य पांच घराने हैं। तबले के मुख्य कितने घराने हैं? तो तबले के मुख्य पांच घराने। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्वर मंडरन बजाने की कितनी विधियां पाई जाती है? किस क्या बजाने की? तो स्वर मंडरन बजाने की कितनी विधियां पाई जाती है? स्वर मंडरन बजाने की कितनी विधियां पाई जाती है? तो कम से कम चार विधियां पाई जाती है। ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि त्रिव मध्य का चिन्ह होता है, तो त्रिव मध्य का चिन्ह क्या होता है? तो मे होता है। त्रिव मध्य का चिन्ह क्या होता है? तो त्रिव मध्य का चिन्ह होता है मे। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट हैं? हिंदुस्तानी संगीत जो है उसमें कितने ठाट हैं? हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट है। हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट है? तो हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट है। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम राग क्या? तो ग्राम राग जिसकी संख्या मान है तो क्या है? तो हो जाएगा 30। ग्राम राग क्या? तो ग्राम राग जिसकी संख्या मान है, तो उसकी संख्या कितनी है? तो 30 है। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि तिलवाड़ा में कितनी मात्रा होती है? किसमें? तो तिलवाड़ा जो होता है ना उसमें कितनी मात्रा होती है? तो तिलवाड़ा में 16 मात्रा होती है। तिलवाड़ा में कितनी मात्रा होती है? तो तिलवाड़ा में 16 मात्रा होती है। ऑप्शन हो जाए इसका ए।
अगला क्वेश्चन है कि शांडव स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं। शांडव स्वर समूह में कितने समूह में कितने स्वर लगते हैं, तो टोटल कितने लगते हैं, तो इसके लगते हैं, देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ कि शांडव स्वर में कितने समूह में कितने स्वर लगते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ, छः लगते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा छः लगते हैं ऑप्शन, वजह इसका इस ऑप्शन तो दिया नहीं, इसलिए याद रखिएगा छः, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीपचंदी ताल में कितनी मात्राएं होती है, किसमें, तो दीपचंदी ताल क्या है, तो दीपचंदी जो ताल होती है उसमें कितनी मात्रा होती है, तो उसमें 14 मात्रा होती है। दीपचंदी ताल में कितनी मात्रा होती है, तो दीपचंदी ताल में 14 मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झूमर ताल में कितनी मात्राओं का होता है, झूमर ताल जो होता है ना ये कितनी मात्राओं का होता है, तो ये 14 मात्राओं का होता है, झूमर ताल जो होता है ना ये 14 मात्रा का होता है, ऑप्शन वजह इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि मत ताल में कुल कितनी तालियां होती है, किस ताल में, तो मत ताल जो होते हैं इसमें कुल कितनी तालियां होती है, तो 13 तालियां होती है, ऑप्शन वजह इसका सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धमार कितने मात्रा का होता है, तो धमार जो होता है ये कितने मात्रा का होता है, ये 13 मात्रा का होता है, धमार कितने मात्रा का होता है, तो धमार 13 मात्रा का होता है, ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि धमार क्या है, अब धमार है क्या, तो धमार गायन शैली है, क्या है, तो धमार गायन शैली है, ऑप्शन हो जाए इसका ए, धमार गायन शैली है। अगला क्वेश्चन है कि थाटों की संख्या बताएं, तो थाटों की संख्या कितनी है, तो थाटों की संख्या 10 है, थाटों की संख्या कितनी है, तो थाटों की संख्या 10 है, ऑप्शन हो जाए इसका डी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गायन विद्या केवल झप ताल में ही पाई जाती है, वो कौन सी गायन विद्या जो कि केवल झप ताल में ही पाई जाती है, तो हो जाएगा गजल, गजल जो है ये सिर्फ किस में पाई जाती है, गायल जो कौन सी गायन विद्या, तो गजल, गजल जो है ये गायन विद्या जो कि झप ताल में ही पाई जाती है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है, किस ताल में, तो कहरवा ताल, कौन सी ताल, तो कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो 8 मात्रा होती है, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो 8 मात्राएं होती है, ऑप्शन हो जाए इसका बी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऐसी ताल का नाम बताए, वो कौन सी ताल है जिसमें कि खाली का विभाग न हो, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा त्रिवा, ऑप्शन हो जाए इसका सी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा अच्छे से।